हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल फिल्मी कॉर्नर। व्यूअर, आज की इस वीडियो में हम बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की चार मूवीज़ की कंप्लीट डिटेल और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन शेयर करने जा रहे हैं आपके साथ, जिनमें शामिल है 1985 में रिलीज़ होने वाली मूवी मर्द, जिसकी लीड कास्ट में अमिताभ बच्चन साहब शामिल थे, और फिर 1988 में रिलीज़ होने वाली मिथुन चक्रवर्ती स्टारर मूवी मर्द के कलेक्शन आपके साथ शेयर करेंगे। 2014 में रिलीज़ होने वाली रानी मुखर्जी स्टारर मूवी मर्दानी के कलेक्शन शेयर करेंगे, और 2019 में रिलीज़ होने वाली इसी फिल्म मर्दानी के सीक्वल मर्दानी 2 के कलेक्शन भी आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूं कि हमारी आज का वीडियो भी आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स ही हमारी असल अर्निंग है। तो चलें फ्रेंड, बिना समय गवाए शुरू करते हैं हम अपना आज का ये वीडियो। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम जिक्र करते हैं 8 नवंबर 1985 को रिलीज़ होने वाली मूवी मर्द का। तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया था मनमोहन देसाई ने, और इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी वो खुद ही थे, और इस फिल्म के राइटर थे इंद्रराज आनंद। और फिल्म की लीड कास्ट की बात करें तो उसमें शामिल थे अमिताभ बच्चन, अमृता सिंह, निरूपा राय, दारा सिंह, प्रेम चोपड़ा वगैरह शामिल थे। और मर्द मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर थे अन्नू मलिक। 1985 की फिल्म मर्द को IMDb 10 में से 6.1 स्टार मिले थे। और इस फिल्म के अगर बजट की हम बात करें तो फिल्म का बजट था 2 करोड़ 80 लाख, और इस फिल्म ने अपने ओपनिंग डे पे 12 लाख का कलेक्शन किया। फर्स्ट वीकेंड पर फिल्म के कलेक्शन गए 55 लाख तक, और इस फिल्म के इंडिया में नेट लाइफ टाइम कलेक्शन हुए 8 करोड़, और अमिताभ बच्चन स्टारर मूवी मर्द के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुए 16 करोड़ के, और कलेक्शन के हिसाब से ये फिल्म ब्लॉकबस्टर करार दी गई थी। और ये साल 1985 की सेकंड नंबर पर ज़्यादा कलेक्शन करने वाली मूवी भी साबित हुई थी। तो यार, अब हम जिक्र करते हैं 15 मई 1998 को रिलीज़ होने वाली मिथुन चक्रवर्ती स्टारर मूवी मर्द का। तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया था गणपति बोहरा ने, और इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे सुनील कुमार बोहरा। और फिल्म की लीड कास्ट की बात करें तो इसमें शामिल थे मिथुन चक्रवर्ती, रेवाली, कादिर खान, गुलशन ग्रोवर, रजा मुराद, शक्ति कपूर। और इस फिल्म के म्यूज़िक डायरेक्टर थे दिलीप सिंह, समीर सिंह। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये फिल्म 15 मई 1998 को रिलीज़ हुई थी। 1998 की मिथुन चक्रवर्ती स्टारर मूवी मर्द की बात करें तो इस फिल्म को IMDb 10 में से 4.5 स्टार मिले थे, और इस फिल्म का बजट था 2 करोड़ 25 लाख, और इस फिल्म ने अपने ओपनिंग डे पे 30 लाख के कलेक्शन किए। फर्स्ट वीकेंड पर फिल्म के कलेक्शन गए 75 लाख, और फर्स्ट वीक के एंड पर मर्द मूवी के कलेक्शन हुए 1 करोड़ 26 लाख के, और इंडिया में इस फिल्म के नेट लाइफ टाइम कलेक्शन हुए 2 करोड़ 29 लाख के। और मिथुन चक्रवर्ती स्टारर मूवी मर्द जो कि 1998 को रिलीज़ हुई थी, इस फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुए 3 करोड़ 22 लाख, और कलेक्शन के हिसाब से मिथुन चक्रवर्ती की मर्द एक फ्लॉप फिल्म करार दी गई थी। तो यार, अब हम जिक्र करते हैं रानी मुखर्जी स्टारर मूवी मर्दानी। तो ये फिल्म रिलीज़ हुई थी 22 अगस्त 2014 को, और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था प्रदीप सरकार ने, और इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे रानी मुखर्जी के हस्बैंड आदित्य चोपड़ा। और फिल्म की लीड कास्ट की बात करें तो उसमें शामिल थे रानी मुखर्जी, ताहिर राजभंसन और जेशु सनगुप्ता वगैरह शामिल थे। और इस फिल्म के म्यूज़िक डायरेक्टर थे सलीम सुलेमान। और इस फिल्म की अगर IMDb रेटिंग की बात करें तो इस फिल्म को 10 में से 7.3 स्टार्स दिए गए थे, और मर्दानी मूवी का बजट था 21 करोड़, और इस फिल्म ने अपने ओपनिंग डे पे कलेक्शन किए 3 करोड़ 46 लाख के। फर्स्ट वीकेंड पे इस फिल्म के कलेक्शन गए 14 करोड़ 46 लाख के, और फर्स्ट वीक के एंड पर मर्दानी मूवी के कलेक्शन हुए 22 करोड़ 97 लाख के। इंडिया में इस फिल्म का नेट लाइफ टाइम कलेक्शन हुए 35 करोड़ 82 लाख के, और फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुए 59 करोड़ 55 लाख के। और इस फिल्म की अगर वर्ल्डिंग की बात करें तो कलेक्शन के हिसाब से मर्दानी एक सीमी हिट फिल्म करार दी गई थी। तो ये बार अब हम जिक्र करते हैं मर्दानी मूवी के सीक्वल मर्दानी 2 का। तो ये फिल्म रिलीज़ हुई थी 13 दिसंबर 2019 को, और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था गोपी बुथारन ने, और इस फिल्म के भी प्रोड्यूसर थे रानी मुखर्जी के हस्बैंड आदित्य चोपड़ा, और फिल्म के राइटर भी गोपी बुथारन ही थे। फिल्म की लीड कास्ट की बात करें तो उसमें शामिल थे रानी मुखर्जी, विशाल जेथवा, श्रुति बपना, राजेश शर्मा और अनुराग शर्मा शामिल थे। मर्दानी 2 एक एक्शन क्राइम ड्रामा मूवी थी जिसे IMDb 10 में से 7.7 स्टार मिले थे। और इस फिल्म के अगर बजट की बात करें तो मर्दानी 2 का बजट था 30 करोड़, और इस फिल्म ने अपने ओपनिंग डे पर 3 करोड़ 80 लाख के कलेक्शन किए। फर्स्ट वीकेंड पर फिल्म के कलेक्शन हुए 18 करोड़ 15 लाख के, और फिल्म के फर्स्ट वीक के कलेक्शन हुए 28 करोड़ 5 लाख के। मर्दानी 2 ने इंडिया में लाइफ टाइम कलेक्शन किया 47 करोड़ 57 लाख के, और फिल्म के वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन हुए 67 करोड़ 12 लाख के, और कलेक्शन के हिसाब से मर्दानी 2 एक हिट फिल्म करार दी गई थी।
तो फ्रेंड ये था हमारा आज का वीडियो। और आज की इस वीडियो में हमने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की चार मूवीज़, जिनमें दो मूवीज़ मर्द के नाम से हैं, जिनमें से एक मिथुन चक्रवर्ती और दूसरी अमिताभ बच्चन स्टारर मर्द मूवीज़ हैं, और इसके अलावा फीमेल ओरिएंटेड मूवीज़ मर्दानी और मर्दानी 2 के भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आपके साथ शेयर किए और उनकी अदर डिटेल भी आपको फराहम करने की कोशिश की। आज की इस वीडियो में मौजूद इन चारों मूवीज़ में आपकी फेवरेट कौन कौन सी मूवीज़ हैं, कमेंट सेक्शन में उनका नाम लिखना ना भूलिएगा। और आने वाली वीडियोस में आप किन किन मूवीज़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और अदर डिटेल जानना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में उन मूवीज़ का नाम लिखे, मैं उनके ऊपर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। जाते जाते एक बार फिर आपसे कहता चलूँ कि अगर हमारा ये आज का वीडियो भी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिएगा। हमारा आज का वीडियो देखने का आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।